हेलो फ्रेंड्स, इजी टू ग्रो गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखो कितना अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है ना। आज हम बात करेंगे अपराजिता के बारे में। ये देखो, ये अपराजिता का पौधा है। अब फ्लावरिंग इसके देखो कितने सारे हो रहे हैं, फूलों से भरे पड़े हैं। ये देखो बड़े प्यारे फूल होते हैं इनके। ये देखो, तो आज मैं ये बताने वाली हूँ कि आप बड़े गमले में भी लगा सकते हो, छोटे गमले में भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। इसे वाइन भी आप बना सकते हो, यानी बेल की तरह चढ़ा भी सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको काट छाट के छोटा भी कर सकते हो। देखो फूल कितना खूबसूरत फूल है ना। ये देखो बहुत प्यारा फूल है। तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप रख सकते हो, मैं तरीका आपको बता रही हूँ। ये देखो फूल, बहुत फूल है, पूरे फूल से भरे हुए हैं। ये देखो इसके अंदर भी है। ये देखो है ना, ढेरों फूल है, फूल की कमी नहीं है, बहुत फूल आते हैं इसमें। और ये कोई खाद नहीं मांगता, आप लगा के एक तरफ छोड़ दो इसको। इसकी छोटी छोटी सी सीड होती है, सीड लगा दो, कटिंग से भी लग जाता है, कटिंग से लगा लो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लगा लो। ग्रोथ देखो, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह लगा रखी हूँ। छोटे में भी सिर्फ आप लोगों को दिखाने की वजह से लगाई हूँ। और ये जो मेरा बड़ा सा है ना, ये अपराजिता, ये मैंने लगाया नहीं था, ये सीड गिर के इसमें खुद ही हो गया अपने आप। ये देखो, ये गुलाब का गमला है, इसमें मैंने कटिंग भी लगाई है। देखो ये कटिंग लगाई है, अगर आपके पास पड़ा हो मेरी गोल्ड पहले का तो कटिंग लगा दो, लग जाएगा। और बोगनवेलिया की भी कटिंग लगाई है, लग जाता है। ये देखो, ये गुलाब का गमला है, ग्राफ्टिंग वाला गुलाब है, और इसी में सीड झड़ के अपने आप ये खुद ही हो गया। ये देखो, फिर मैंने हटाया नहीं। जो पौधा लगाता है ना, उसको पौधे देख के बहुत अच्छा लगता है, जल्दी हटाते नहीं है हम लोग, तो मैंने हटाया नहीं। अब देखो कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है इसमें। ये देखो, क्योंकि गुलाब को खाना बहुत अच्छा देना होता है ना, तो उसी हिसाब से ये देखो फ्लावरिंग फ्लावर ही फ्लावर है पूरा। ये देखो, ये पत्तों के नीचे दबे पड़े हैं। तो ऐसे ही लगा लिया करो, अपने से भी लग जाता है। वैसे एक साल लगा लोगे तो आपके गार्डन में खुद ब खुद हो जाएगा। और देखो एक गमला मैंने ये लगाया हुआ है, तो इसमें भी फ्लावरिंग हो रहा है। ये देखो है ना कितना अच्छा फूल। तो मैं काट छांट के इसको छोटा कर रखी हूँ इस वाली को। और देखो एक ये लगाई हूँ, छोटू सा है बिल्कुल गमला। देखो ये देखो कितना छोटा सा गमला है ना, तो मैं इसमें भी लगा दी, तो इसमें भी फ्लावरिंग मेरे हो रहे हैं। ये देखो मुरझा गए, शाम हो रहा है ना अभी, तो देखो ये देखो छोटा सा गमला है, इसमें कई सारे हैं सीड, बहुत सारे सीड मैंने डाल दिया था, जंगल की तरह देखने में लगेगा, इस वजह से मैंने ऐसे लगाए थे। और अगर अलग अलग करने हैं तो फिर अब इसमें से एक पौधा ये निकाल लो, फिर ये निकाल लो, ये निकाल लो, अलग अलग जगह लगा दो, इतना अच्छा लगेगा आपका छत, एकदम हरा भरा सा हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो इस तरीके का फूल इसमें आता है, कितना ही प्यारा फूल है ना, बहुत प्यारा फूल है। देखो नीचे तक फूल आ रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ पे भी फूल है, ये रहा, बहुत फूल है, फूलों से भरा पड़ा है ये। तो इसी तरीके से आप भी लगा लिया करो, जैसे कि अब एक ये हो गया, फिर ये दूसरा गमला हो गया ये वाला, फिर तीसरा गमला ये वाला हो गया, और भी कहीं छतों पे अपने आप ही हो जाते हैं, तो पड़े रहने दिया करो, अच्छा लगता है देखने में। और देखो ये मैंने गुलदाउदी लगाई थी कटिंग से, तो मेरा ये लग चुका है।
मैं कटिंग गाड़ती रहती हूँ। देखो नहीं, ये मैंने नहीं लगाया, ये ऐसे ही गिर गया है। ये देखो ये कटिंग मेरी तैयार हो गई है, अब मैं किसी में भी लगा सकती हूँ, ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। देखो ये भी तैयार हो गया, तो ये अलग कलर का है और ये अलग कलर का है, और भी मेरी दूसरी तरफ रखी हुई है, बहुत सारी कटिंग लगा रखी हूँ। तो कटिंग से लगाने से क्या है ना, फ्लावरिंग बहुत अच्छा आता है, बहुत बढ़िया आता है, खूब भर के फूल आएगा। ये देखो आपके सामने है। अब इतने में से आप सोचो कितने सारे गमले हमारे हो जाएंगे अगर हम लगाएंगे तो, क्योंकि एक पौधा एक गमले में बहुत है, ढेर हो जाएंगे, और दो चार लगा देंगे तो और भरा हुआ फूल आ जाएगा, तो अच्छी बात है ना। देखो कितना खूबसूरत है ना ये भी पौधा, अभी फूल आने वाला है। इस फूल से ये पहचान है कि सर्दी आने से पहले ये फूल आ जाता है, इसमें कोसकोम का है, तो आप समझ जाओ कि अब मौसम बदल चुका है, ये इसकी पहचान है। खूब अच्छा फूल आएगा। और ये देखो तोरी लगाई थी, इसका वीडियो मैं डाल रखी हूँ, तो देखो ये तोरी मेरी लग चुकी है। एक ही में तोरी भी लगाई थी और धनिया लगाई थी और पालक, देखो ये निकल रहे हैं नन्हे नन्हे से, देखो नीचे धनिया ये और पालक निकल रहे हैं। तो ये तो मेरा वाइन है, ये तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे जो है धनिया और पालक मेरे हो जाएंगे। देखो इसमें लगा रखी हूँ मैं, देखो अच्छा लग रहा है ना। तो अगर कहीं पे भी लगाना हो, मैंने ज़्यादा सीड इसमें लगा दिया, अगर आपको इसको लगाना भी हो तो उखेड़ के भी ये लग जाता है, इसमें से निकाल के कहीं भी लगा सकते हो, दूसरी जगह भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खूब सारी तोरी आ जाएगी। और ये तो गर्मियों का साथी है, पूरी गर्मी फ्लावरिंग करता है, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो इस पे कोई असर नहीं पड़ता। और ये देखो मैंने ये कटिंग लगाया हुआ है, इसी पौधे की कटिंग है, ये मदर है और ये मैं कटिंग लगाई थी, तो देखो मेरी कटिंग चल पड़ी है। ये देखो, अब देखो मैंने ये भी कटिंग लगाया, ये भी कटिंग मेरी लग गई है, ये देखो, और ये भी कटिंग लगाया तो ये भी कटिंग मेरी लग गई है। तो कटिंग से मैं ज़्यादा पौधा लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कटिंग से पौधा लगाना। गुड़हल का भी लगाई हूँ, हिबिस्कस का, वो भी मेरा लग गया है, और ये भी कटिंग से लग जाता है, अगर आपको छोटी सी कटिंग कहीं से मिल जाए तो कटिंग से भी लगा लो, इतना अच्छा पौधा है ये। और ये देखो ये अनार की कटिंग है, देखो अब ये ग्रोथ स्टार्ट हो गया इसमें, ये देखो नन्हे नन्हे से पत्ते निकल रहे हैं इसमें से, ये देखो ऐसे कटिंग लगा दिया करो, कहीं से भी आपको अनार का अगर डंडी मिल जाए तो लगा लिया करो। इसमें मैंने जेड लगा रखा है, ये जेड लगा रखा है, तो इसी में मैंने अनार की भी लगा दी है, देखो ये रहा कटिंग, तो ऐसे मिल जाए तो लगा लिया करो। ये देखो ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, ऐसी मैं कटिंग लगा लेती हूँ जगह जगह पे। ये देखो ये मदर का है, इसी मदर वाले में मैंने इसको भी लगा दिया है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है इसमें अगर आप लगा दोगे तो। और ये सीड से भी लग जाता है, ये अनार जो है ये सीड से भी लग जाता है, आपकी मर्जी है जैसे मर्जी लगा लो। और ये देखो ये भी कटिंग लगा रखी हूँ मैं, इसमें हिबिस्कस की कटिंग है, डबल वाली भी सिंगल वाली भी, ये दोनों कटिंग मैंने लगाया हुआ है इसमें, और ये सारी कटिंग मेरी चल पड़ी है। देखो ये देखो है ना,
तो एक पौधे से आप 1000 पौधे बना लो, बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखो मैंने ये निश इसलिए इसमें लगा रखा है, ये डबल वाला है, ये जो लगाया कपड़ा मैंने और ये धागा बांधा है, ये डबल वाला है, बाकी सिंगल वाले हैं। पीले कलर का भी इसमें हिबिस्कस है और रेड कलर का भी है, ये पहचान के लिए मैंने लगाया है। इसको मैं ढक के रखती हूँ, ये देखो ऐसे करके ढक देती हूँ ताकि इसको तेज़ धूप ना लगे, छन के धूप आए इसमें। इसे छुपा रखी हूँ देखो एकदम ऐसे, इनके अंदर मैंने इसे छुपा रखा है। और ये देखो ये कोसकोम का है, पीले कलर का कोसकोम इसमें आता है। इसका ग्रोथ देखो, ये देखो कितना बड़ा पौधा मेरा हो गया है ना, ये देखो बहुत बड़ा सा हो गया है। और ये गुलाब है, धूप से मुरझा रहा है गुलाब, गुलाब का गमला गेरा गेरा, ये इधर इसकी डंडी गई हुई है। इसी में ये कोसकोम का है गेरा, ये तो देखिए इतना प्यारा होता है ना, कहीं भी आप काट के लगा दो थोड़ी सी कटिंग यूं ही फैल जाता है, बहुत है ये। ये देखो मैक्सिकन पिटूनिया में भी लगा रखी हूँ। और देखो ये रखा है, ये भी मैक्सिकन पिटूनिया है, ये बड़ा वाला मैक्सिकन पिटूनिया है, इस लंबा होता है ये बकायदे देखो ऐसे, और ये छोटा वाला है। इसमें पिंक कलर का फ्लावरिंग आता है, इसमें पर्पल कलर का आता है, सुबह का टाइम आता है, शाम का टाइम अभी हो गया है। और ये तो कितना ही अच्छा लगता है, बस पूरी गार्डन को हरा भरा बना देता है, ये फूलों से लाभ देता है। तो ये कटिंग से भी लग जाता है, मैं कटिंग भी लगा देती हूँ, कटिंग ही लगाई थी, कटिंग लगा दो खूब अच्छा फूल आता है। देखो कटिंग वाले में अच्छा आता है, सीड से लगाओ तो बड़ा टाइम लग जाता है और कटिंग लगाओ तो यूं ही फूल आ जाता है, इसलिए कटिंग लगाया करो ज़्यादा से ज़्यादा। कटिंग लगाना कोई मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने दिखाया अभी ऐसी लगा के और फिर उसे रख दो छायादार जगह में। देखो इसमें भी फूल आने वाले हैं, कितना खूबसूरत है ना। फूलों की कमी नहीं है मेरे छत पे, तो फूल ही फूल हैं। अभी मैं ये वाला भी ढेर सारा दूसरी तरफ रख रखी हूँ, आगे बहुत देखने को आपको मिल जाएगा कोसकोम। देखो यहाँ भी कटिंग लगा के मैं रख रखी हूँ, ये देखो ये देखो ये कटिंग लगी हुई है। ये गमला हटाने से टूट गया था हमसे, तो फिर मैंने इसको लगा दिया, कटिंग लगा दिया, तो अब मेरे पास ढेर सारे हो जाएंगे। और इसी की कटिंग है, ये मदर है, देखो ये मदर है, देखो ये फ्लावरिंग कर रहा है। ये उठाने में टूट, बहुत नाजुक होता है, उठाने में टूट जाता है, बहुत हिसाब से इसके गमले को उठाया करो, एकदम धीरे से उठा के रखो कहीं। ये तो कोसकोम है, इसे मैं घुसा रखी हूँ, ये रहा इसका गमला, ये कोलियस है, इसकी पत्तियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर है, घर में डेकोरेशन करने के लिए कितना अच्छा है, मेहमान वगैरह आए इसको तोड़ के आराम से या गमला लगा लो जैसे कि मैंने लगाया है। जैसे कि देखो ये लगाई हूँ मैं, ऐसे भी अगर आप रख दोगे कितना अच्छा आपका घर लगेगा। ये आउटडोर भी रह जाता है, ज़्यादा दिन नहीं, धूप दिखाना पड़ता है। ये गमला मैं टेढ़ा करके रखी थी ना, पानी भर गया था तो ऐसे लटका के रखी थी, इसलिए ही ऐसे हो रहे हैं, नहीं तो खड़े खड़े थे ये। अगर आपके पास मेरी गोल्ड हो गेंदा, ऐसे पहले का पड़ा हुआ, ये पहले का ही है मेरा, तो इसकी कटिंग लगा लो, आपकी कटिंग से हो जाएगा। मैं तो कटिंग लगाऊंगी इसकी, कुछ तो मैं लगा चुकी हूँ और फिर मैं कुछ लगाऊंगी। इनमें जड़ें बहुत होती हैं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखो कितनी जड़ें हैं ना, बस यहाँ से कट करो और लगा दो, आपका पौधा तैयार है। बहुत अच्छा पौधा है ये और फूल बहुत अच्छे होते हैं इसके, तो ज़रूर लगा लो, ज़रूरी नहीं बहुत सारे पैसा खर्च करो, आप ऐसे भी पौधा लगा लो। इसमें भी लगाई थी मैं कुछ,
पानी भरा हुआ था इसलिए ऐसे गिरा दी, फिर लगा दूंगी। और देखो एक ये मैंने लगाया है संध्या का, छोटे से डिब्बे में ही लगाई हूँ और इसे मैं जंगल का लुक दी हूँ कि जैसे ये जंगल है। ये देखो जंगल की तरह छोटा सा ही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। अब इसमें फूल आने वाले हैं, अभी आए नहीं है फूल, फूल आ जाएंगे। तो है ना कितना खूबसूरत फूल, जरूर बताना कैसा लगा आपको फूल या अपराजिता। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मैं नई नई जानकारी लेके आती रहती हूँ, मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं। देखो कितने सुंदर है ना, ये देखो ये देखो। तीनों एक जगह फूल है ना, ये देखो इससे ढक जा रहा है ऐसे। तो फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।